अनीता जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका हेलो, जी। नमस्ते मैम। नमस्कार सचिन साहब को भी नमस्ते मैम। जी, आदाब, जय हिंद। मैडम, मुझे तीन चार प्रॉब्लम है। फर्स्ट हाँ पूछिए। ऑफ ऑल है मैडम हाइपोथायराइड, ठीक है। और सेकंड है मैडम मुझे दोनों घुटनों में स्वेलिंग नहीं है, रेडनेस नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, पेन है, तीसरा और सवाल, बाहर की तरफ से दोनों घुटने सूख गए। ठीक है। और तीसरा सवाल मैम, अभी मैंने 10 तारीख को ESR टेस्ट करवाया था तो वो काफी बड़ा हुआ है, ठीक है। और घुटनों के लिए मैम अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये थायराइड की वजह से पेन आ गया। मैम मुझे 2019 के लास्ट में थायराइड की रिपोर्ट ठीक थी, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे डोज बढ़ा दी और फिर घटा दी अगले महीने, आपकी उम्र क्या है? और उसकी मैम 1 मिनट, उसकी वजह से मुझे पूरे ज्वाइंट में पेन हो गया था। अभी बाकी पेन सारा ठीक है, घुटनों में आ गया। और दूसरा मैम, मैं वॉकिंग काफी स्पीड से करती थी 6-7 साल, तो दोनों में से कोई रीजन हो सकता है। चलिए, एज अब आप मैम अपनी उम्र 49, बता दीजिए। 49। 49 जी। और रीजन था आपका तेज चलना, तो कभी भी चले तो आराम से चले। हम 40-45 साल के बाद बहुत तेज़ी से नहीं चलना, और तेज़ चलना दौड़ने के बराबर हो जाता है। इस उम्र में हम दौड़ नहीं सकते, नहीं तो ये दर्द आ जाता है। आराम आराम से चला करें, 1 मिनट में एक कदम रखा करिए, 1 मिनट में एक पैर रखा करिए। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 1 घंटे में चलने से हम तकरीबन 5 किलोमीटर चल लेते हैं। 1 मिनट में 660 कदम और 1 घंटे में 6,000 कदम। तो वेस्टर्न टॉयलेट भी आपके लिए ज़रूरी है। आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो लगता है कि आपके घर में होगा, ऐसे मरीज़ के घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। और क्या सवाल था? हाइपोथायराइड इनको, हाँ, देखिए, हाइपोथायराइड के लिए डॉक्टर की दवा खाएं, और एक नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो लें, और 6-7 महीने लेना चाहिए। धीरे धीरे डॉक्टर आपकी दवा कम करेगा, हर 2 महीने में उसकी पोटेंसी कम होती जाती है। और वो नुस्खा ये है, धनिया, जो धनिया का दाना आपके किचन में है, धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला असली होता है, सफ़ेद वाला, लाल पीला मत लेना, इंटरनेट पे बहुत पड़ा हुआ है, सबने नकली डाल रखा है। तो ये पाउडर बना लें, आंवले का 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, गौन मोरिंगा 100 ग्राम सफ़ेद वाला, और धनिया 300 ग्राम, ये 1 चम्मच रोज़ाना खाएं। सुबह उस गोली के बाद खा लें जो डॉक्टर ने आपको थायराइड की दे रखी है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी खा लिया करें, 1 छोटा चाय का चम्मच, तकरीबन 3 ग्राम, ठीक है? 7-8 महीने लेंगे तो आपकी गोली, मुझे उम्मीद है कि वो डॉक्टर खुद ही छुड़ा देंगे कि अब आपको थायराइड इतना नहीं है, और फिर ये भी छूट जाता है। दर्द के लिए आप गौंद स्याह लें और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात पानी से लें, और ये आपकी सारी बीमारियां ठीक होना मुमकिन है।